हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे और एक नए क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के हैं और ये सेट नंबर 31 है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ। विद्युत चुंबक में क्रॉड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा का। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। तारों के टिमटिमाने का कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा है? तो यूकेलिप्टस। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो आवृत्ति की। आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया? तो मेंडलीफ के द्वारा। कैलकुलस के आविष्कारक हैं? तो सर आइजक न्यूटन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस रोग का कारण होता है? तो मलेरिया द्वारा। क्लोरोफिल का खनिज घटक है? तो मैग्नीशियम। विद्युत मोटर के आविष्कारक थे? तो निकोला टेस्ला। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है यानी पानी वाले जहाज की? तो नॉट से। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है? तो 28। कशेरुकाओं की संख्या होती है? तो 33। फसलियों की संख्या होती है? तो 24। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो रक्त जो है संयोजी ऊतक होता है। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो कॉर्निया के। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है? तो 120 दिन का। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है? तो 4 दिन का, यानी 1 से 4 दिन का। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो लोहा। ओजोन परत डैश को रोकती है? तो प्रावेगनी किरणों को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स, जो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी सबसे लंबी कोशिका? तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। मानव के गुर्दे का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी का नाम क्या है? तो शुतुरमुर्ग। एंजाइमा नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हृदय को। भूस्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? तो 24 घंटे का। धूप के चश्मे की पावर होती है? तो 0 डायोप्टर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज होती है।